जो है जवाबदारी जो है उसी को दी गई है जिसने उस बिल्डिंग का निर्माण किया है। जी कांग्रेस की बात का उत्तर तो देना चाहूंगा। जी आप दे दीजिएगा। पहले सुभाषा काफी देर से बनी हुई है, बोली नहीं है अभी तक, इसलिए मैं उनके पास जा रहा हूं। भगत सिंह कोश्यारी का दूसरी तरफ बयान आ गया है कि मेरे फैसले को एससी ने सही बताया है, मैंने सरकार बनवाई उस फैसले के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करा गया है क्योंकि इस्तीफा दे चुके थे। अगर सब कुछ अवैध था तो सुभाषा आज इस्तीफा उतारना चाहिए था देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का, लेकिन देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं नैतिकता का पाठ उद्धव ठाकरे बता रहे हैं। जी आमिश जी, मुझे लगता है राजनीति शायद इसी को कहते हैं। कूटनीतिक रूप से सरकार महाराष्ट्र की बनी, चाहे वो आज की सरकार हो या इसकी पिछली सरकार हो, मुझे नहीं लगता कि इसको एक्सेप्ट करने में दोनों में से किसी भी पार्टी को हिचकिचाहट होनी चाहिए। जो भी दोनों पार्टीज भी नहीं है एक्चुअली, दो गुटों का समूह है, उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। और आज जो भी दावपेच खेले जा रहे हैं वो भी राजनीति का हिस्सा है। तो मेरा ये कहना है आमिश जी, इस पूरे प्रकरण में ये कहना है कि आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कीजिए ना। जब ये सरकार बनी तो इन्होंने किस वादे के साथ जनता के बीच में, और पुरानी सरकार थी वो किन वादों के साथ जनता के बीच में थी, क्या हम कुछ देर के लिए उन मुद्दों पर बात कर सकते हैं? क्योंकि सरकार ये रहे या वो रहे, जब जनता लिखेगी टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से वो काम होना है। अब ये आपस में ये समझ लें कि जिनके चीफ मिनिस्टर आज काबिज हैं सत्ता में या कल काबिज थे सत्ता में, उन्होंने कितना काम किया। पुराने वाले इतने ही काबिल होते तो निकलते क्यों, उनको धता बता करके सर आज अगर सिचुएशन बिल्कुल जी ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, क्या उद्धव ठाकरे ने जल्दबाजी करी इस्तीफा देने में, जो बात शरद राव पवार ने बोली, जो बात पृथ्वीराज चौहान ने बोली? देखिए अमित जी, ये तो बात हकीकत है कि एकदम से उन्होंने, चूंकि वो एक नैतिक मूल्यों को उन्होंने अपने सामने रखा और तत्काल उन्होंने एक फैसला ले लिया, ये बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन हकीकत यह है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हैं वो देश की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसमें यह भी सिद्ध हो गया कि जो लगातार हम लोग ये कह रहे हैं कि देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से लगातार ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने सारे दोनों तीनों आदेश में उस बात को स्पष्ट कर दिया। एक उन्होंने आदेश स्पष्ट किया है दिल्ली की से 2015 में जो केंद्र सरकार ने वहां पे जो आदेश दिया था वो पूरी तौर से गैर कानूनी है और वो जन प्रतिनिधित्व कानून के विपरीत है और जनता की भावनाओं के खिलाफ है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में जो तत्कालीन गवर्नर थे आदरणीय कोश्यारी जी, उन्होंने लापरवाही की, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, उनको इस बात का अधिकार नहीं था कि वो फ्लोर ऑफ टेस्ट में चले जाते और ये ऐसा करके उन्होंने देश के कानून का मजाक बनाया है। तो हम लोग जो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि देश में इस समय सारी संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मनमाने तरीके से इस देश को चला रही है, ये बात आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश गौरव बात में ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का वजूद है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी शक्ति के साथ शिवसेना के साथ खड़ी है। ओके महेश शिंदे भी मेरे साथ हैं, एमएलए शिवसेना के, शिंदे गुट के। गौरव भाटिया रिप्लाई, वो कह रहे हैं बीजेपी ने संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दिया है, एनसीपी ये कह रही है। अमित जी देखिए, जो लोग आज आपका कोर्ट के आदेश से बोल रहा हूं मैं, ये कोर्ट के आदेश से सिद्ध किया है। शांत कराइए अमित जी, जो इस तरह के बयान दर्शक सुनते हैं ना तो ये सोचते हैं लोग ये मूर्खता लाते कहां से है और दूसरे के ये महावसूली अघाड़ी का बाजार कहां लगता है जिसमें गंदी सरकार चला। अमित जी कौन बीच लोग पूरे सरकार की इमेज बर्बाद करके रखी है लोगों ने। डेली न्यूज नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, महेश शिंदे मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया अपनी बात करो, महेश शिंदे मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया बोल रहे हैं पीसीआर, आप बीजेपी के गठबंधन वाले शिंदे गट के प्रवक्ता बोल रहे हैं। ओके गौरव भाटिया,